सुनीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना मनचाहा न्यूज। भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा कि आईपीएल के लिए तब तक इंतजार किया जा सकता है जब तक कि देश कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट को पार नहीं कर लेता। इस महीने के शुरू में ही आईपीएल को 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पे 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण इस T20 टूर्नामेंट के 13वें सत्र के आयोजन की संभावना कम नजर आ रही है। बताते चले कि रोहित ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमें सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, पहले स्थिति बेहतर होनी चाहिए, फिर हम आईपीएल के बारे में बात कर सकते हैं। पहले जीवन को सम्मान्य होने दें। यह सलामी बल्लेबाज अपने साथी युजवेंद्र चहल के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान सवाल जवाब करते हुए नजर आए और अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। अगर वहीं कोरोना वायरस की बात करें तो भारत में अब तक कोरोना वायरस से लगभग 700 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है और विश्व स्तर पे इस महामारी के कारण 22,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे भारत में बंद के कारण भारतीय महानगर भी सुनसान बने हुए हैं। रोहित ने कहा, मैंने मुंबई को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। क्रिकेटर होने के कारण हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, इस दौरान हम अपने परिवार के साथ भरपूर समय बिता रहे हैं। सो आप सब भी अपना ध्यान रखें और कोरोना से बचने का हर मुमकिन प्रयास करें।